नमस्कार दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट चल के आ रहा है एनडीटीवी का जो न्यूज़ का जो अपना वेबसाइट है एनडीटीवी एजुकेशन में यहाँ पर वर्षा मैम ने कुछ ट्वीट किया है कुछ बात की है इन लोगों से और यहाँ पर उनसे डिस्कस किया कि महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हियर्स वॉट वर्षा गायकवाड़ सेड अबाउट द पेपर एवोल्यूशन क्लास टेंथ का पेपर का एवोल्यूशन कैसा होना है उसके बारे में वर्षा मैम ने एन से बात की है और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें एन को बताई है वाइल अनाउंसिंग द कैंसिलेशन ऑफ द महाराष्ट्र एस एस सी बोर्ड एग्जाम 2021 मिनिस्टर ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एजुकेशन वर्षा गायकवाड़ हैड सेड दैट मार्क्स विल बी अवार्डेड टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट और द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बट अ प्रोसेस फॉर द सेम इज़ येट टू बी डिसाइडेड मतलब उनका ये कहना है कि क्लास टेंथ के बच्चों को किस तरह से मार्क्स देना है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है ठीक है तो वो जल्दी ही डिसाइड होगा और जैसे ही वो डिसाइड होगा वो आपसे डिस्कस किया जाएगा आपको बताया जाएगा ये उनका कहना है पूरी न्यूज़ में क्या है? हम बता के रखा है यहाँ पर बता के रखा है ड्यू टू द प्रेजेंट सिचुएशन इमर्जिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड इन ऑर्डर टू अरेट्स इट्स स्प्रेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस द कैंसिलेशन ऑफ द क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम वाइल अनाउंसिंग द कैंसिलेशन ऑफ एस बोर्ड Exam 2021 Minister of the Primary and the Secondary Education Varsha Gayakwar had said that marks will be awarded to the student based on the internal assessment and the objective criterion, but the process of the same is yet to be decided. There is no decision as of now on how marks will be given to the student who will be applying for the class 11th admission. इन द वेरियस जूनियर कॉलेजेस अभी तक के ग्यारहवीं में जो उनको एडमिशन लेना है उनको कैसे हम मार्क्स देने वाले हैं टेंथ के बच्चों को हम कैसे मार्क्स देने वाले हैं ये अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है ठीक है वो आगे बताते हैं कि इन अ टेलीवाइज मैसेज शी सेट द क्लास टेंथ एग्जाम इज़ कैंसल्ड हाव एवर टू बिंग द पैरिटी अक्रॉस वेरियस हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एज वेल एज द सेंट्रल एंड इंटरनेशनल बोर्ड अ मीटिंग विल बी कॉल्ड टू फाइनलाइज द रोड मैप एक मीटिंग होगी इनके बीच में सभी बोर्ड्स के बीच में और वो डिसाइड करेगी कि किस तरह से ये आगे का रोड मैप इनको डिसाइड करना है आगे देखिए बहुत महत्व की बात कही है द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ द विच ऑन द बेसिस ऑफ विच रिजल्ट विल बी डिक्लेयर फॉर क्लास टेंथ एंड द डेट ऑफ द रिजल्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन विल सून भी अनाउंस्ड एंड द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज कमिटेड टू डिवाइजिंग अ फेयर एंड एक्यूरेट असेसमेंट क्राइटेरियन उन उनका ये कहना है कि जो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो फेयर और एक्यूरेट असेसमेंट करने की बात वो कर रहे हैं और ये उसके लिए हम कमिटेड है कि हम फेयर और एक्यूरेट असेसमेंट करें आगे बोलते हैं द महाराष्ट्र एस एस और क्लास टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम वर स्केडूल बिटवीन ट्वेंटी मार्च टू तो ट्वेंटी फर्स्ट मे विच नाउ स्टैंड कैंसल्ड मीन क्लास ट्वेल्थ बोर्ड क्लास ट्वेल्थ एग्जाम रिमेन्स सस्पेंडेड टिल मे एंड उन्होंने कहा था कि मे एंड के लिए क्लास ट्वेल्थ भी ये कर दिया गया था एंड फाइनल डिसीजन ऑन इट विल बी टेकन इन द जून आफ्टर रिव्यूंग कोविड इज कोविड सिचुएशन इन द स्टेट मतलब जून के अंदर अब फाइनल डिसीजन लिया जाएगा क्लास ट्वेल्थ का कि क्या वो कंडीशन अभी कोविड की क्या कंडीशन है उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा है ना फॉलोइंग द अनाउंसमेंट्स द मिनिस्टर यह देखिए रखा फॉलोइंग द अनाउंसमेंट्स द मिनिस्टर हैज़ बीन होल्डिंग मीटिंग विद द ऑफिशियल्स एंड द स्कूल प्रिंसिपल्स टू डिसाइड ऑन द न्यू क्लास टेंथ इवोल्यूशन प्रोसीजर क्लास टेंथ की जो नया प्रोसीजर है जिसमें हम इवोल्यूशन करना है उसके लिए वो स्कूल के प्रिंसिपल से इनकी मीटिंग्स हो रही हैं ओके okay, आगे देखे रखा है शी शी हैड हेल्ड अ मीटिंग विद द एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ओके ई आई इंडिया टू डिस्कस द फेयर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू प्रमोट क्लास टेंथ स्टूडेंट मतलब उन्होंने जो एक एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ए आई इंडिया इनसे डिस्कस किया है फर्दर आवर कमिटमेंट ऑफ डेवलपिंग अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट ऑफ क्लास टेंथ स्टूडेंट वी हैड अ मीटिंग विद द ए आई इंडिया दैट हैज प्रूवन एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग असेसमेंट सोल्यूशंस मीटिंग वॉज कंस्ट्रक्टिव उन्होंने का कहना है कि इनकी मीटिंग हुई है जो एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ए आई इंडिया से जो कि स्पेशली असेसमेंट कैसा किया जाए उसके ऊपर वो उनकी महारत हासिल है एहसान का कहना है और वो उनसे डिस्कस करके डिस्कस किया है उन्होंने और इसमें से रास्ता निकालने के वो मार्ग बता रहे हैं आगे बताते हैं मिस गायकवाड़ हैज हेल्ड अनादर मीटिंग विद द कॉलेज प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल टू डिस्कस द एडमिशन पॉलिसी उन्होंने एडमिशन पॉलिसी के लिए भी जो है अभी जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनसे डिस्कस किया है शी सेट दैट वेरियस इंसाइटफुल एंड वैल्यूएबल सजेशंस वर मेड रिगार्डिंग द एवोल्यूशन प्रोसेस है ना इसके लिए उनका कहना है कि एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए हम अलग अलग सजेशंस ले रहे हैं हेल्ड अनादर मीटिंग विद प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द प्रोमिनेंट जूनियर कॉलेज ऑफ द मुंबई पुण एंड नागपुर एज अ पार्ट ऑफ आवर आवर कंसल्टे टू डिवाइस अ फेयर असैसमेंट एंड एडमिशन पॉलिसी फॉर क्लास टेंथ स्टूडेंट ओके मतलब इनकी जो जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं वाइस प्रिंसिपल हैं मुंबई के पुणे के नागपुर के इन सभी लोगों से मीटिंग हो रही है और वो टेंथ के बच्चों का असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और एडमिशन कैसा दिया जाए उसके बारे में भी बात कर रहे हैं है ना अभी ट्वेल्थ के बारे में इन्होंने और क्या कहा देखता है द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ स्टडीड द सी बी एस ई मूव टू कैंसल द टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड मार्क एंड मार्क स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असमेंट भाई सी बी एस ई तो बिल्कुल देर है इंटरनल असेसमेंट वो हमको पता है सी बी एस ईज अर्लियर कैंसल्ड द टेंथ सी बी एस ई हैज हैड अर्लियर कैंसल्ड द बोर्ड क्लास टेंथ एग्जाम एंड पोस्टपोन द क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशन विथ नो एंड टू कोविड पेंडमिक्स इन साइड ओके द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैड अनाउंस द डिसीजन एज इट इज सेट दैट द बोर्ड एग्जाम ऑफ द क्लास टेंथ आर हियर बाय कैंसल्ड एंड द रिजल्ट ऑफ द क्लास टेन विल बी प्रिपेयर ऑन द बेिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू भी डेवलप बाय द बोर्ड ये बात क्लियर है कि बोर्ड ने वो करके रखा है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के ऊपर और वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन भी डिस्कस डिसाइड हो गया है जिसमें दस मार्क दिए जाएंगे देखिए सौ मार्क का पेपर होता है अस्सी मार्क बीस मार्क इंटरनल होते हैं अस्सी मार्क होते हैं रिटर्न एग्जाम के तो अस्सी मार्क को उन्होंने बोला है कि दस मार्क जो यूनिट टेस्ट में मार्क मिले हैं उसको दस में कन्वर्ट किया जाएगा जो हाफ ईयरली के मार्क्स हुए हैं मिड टर्म की एग्जाम हुई होगी उसको तीस में कन्वर्ट किया जाएगा और जो प्रीलिम हुई होगी उसको चालीस में कन्वर्ट किया जाएगा ऐसा करके अस्सी मार्क्स का वो उनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड का अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है ऐसा वर्षा मैम का कहना है ठीक है और ट्वेल्थ के एग्जाम का भी वो बोल रहे हैं कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जो मई के एंड में हम लेने वाले थे वो अभी हम अभी नहीं होना है वो जून में वो डिसीज़न लेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं वो सिचुएशन देखेंगे कोविड की और उसके बाद वो डिसीजन लेने वाले हैं है ना आगे बोलते हैं एनी कैंडिडेट हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स एलोकेटेड टू हिम और हर ऑन दिस बेसिस विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन एग्ज़ाम एंड वेन द कंडीशन मतलब ये बात तो सी बी एस ई ने कही है कि अगर आपको ये जो है आप अगर सेटिसफाई नहीं हो हम जो मार्क्स दे रहे हैं उससे तो आपको एक चांस दिया जाएगा एक चांस दिया जाएगा कि आप बैठ के आप एग्ज़ाम दें और आप अपने मार्क्स उसमें बढ़ा लें तो ये जो न्यूज़ आई है ये एजुकेशन एन एजुकेशन, एजुकेशन की ओर से आई है और ये आज ही मैंने अभी जैसे साइवर जस्ट सर्चिंग तो मुझे देखने मिला मैंने सोचा पहले आपसे शेयर किया जाए तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मार्क्स आपको कैसे दिए जाएंगे रिजल्ट आपका कब आएगा क्लास टेंथ का वो अभी क्लियर नहीं है और क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए भी अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है देखते हैं क्या होता है थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखते रहिए पवनवा अकेडमी धन्यवाद